हाय एवरीवन बाबू, आज हम लोग मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का मॉडल नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 लेने वाले हैं, ठीक है। अगर लेक्चर नंबर आप फर्स्ट नहीं देखे हैं तो जाकर सबसे पहले आप लेक्चर नंबर फर्स्ट देखिए, ठीक है। चलिए आज लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 2 में बाबू देखने से पहले आप लेक्चर नंबर 1 देखिए, ज्यादा बेटर होगा। लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ लॉ ऑफ ट्रायंगल देख रहे हैं। पीछे की क्या पढ़ के लास्ट टॉपिक क्या पढ़ के आए थे, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम भी टू कंकरेंट फोर्स सिस्टम के लिए था, लॉ ऑफ ट्रायंगल भी टू कंकरेंट फोर्स सिस्टम के लिए है, ठीक है। बस दोनों का ग्राफिकल अप्रोच भी सेम है, एनालिटिक अप्रोच क्या होगा, अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा, ए साइन रूल पे जाएगा बाबू, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ ट्रायंगल, दिस मेथड इज यूज टू फाइंड रिजल्टेंट फोर्स फॉर ओनली टू कंकरेंट फोर्स। ये भी किसके लिए है बाबू, टू कंकरेंट फोर्स सिस्टम के लिए लॉ ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएगा। लॉ ऑफ ट्रायंगल अलामिस थ्योरम लगभग सेम जैसा होता है, आपको देखने में सेम जैसा लगेगा, लेकिन एक्चुअली में वो सेम नहीं होता है, अलग अलग होता है। एक में इक्विलिब्रियम फोर्स का यूज होता है, दूसरे में नहीं होता है, ठीक है। फोर्स ऑर्डर भी सेम होता है, और लॉ ऑफ ट्रायंगल में अलग होता है, उसमें सेम होता है अलामिस थ्योरम में। तो जब दोनों को पढ़ेंगे तब दोनों में आपका डिफरेंस करवा दिया जाएगा। ग्राफिकल अप्रोच भी इसका सेम होगा, टू कंकरेंट फोर्स सिस्टम का मतलब एक ही पॉइंट से दो फोर्स निकल रहा हो, ठीक है। ग्राफिकल अप्रोच बाबू सेम है, क्या है सेम, एफ वन है एफ टू था, तो एफ वन 4 सेंटीमीटर है, एफ टू 6 सेंटीमीटर है, एंगल एफ वन एफ टू के बीच का कितना है, 30 डिग्री दिया हुआ है, तो रिजल्टेंट निकाले। तो रिजल्टेंट हम लोग ग्राफिकल अप्रोच से कैसे निकालते थे, 1 न्यूटन को 0.1 सेंटीमीटर मान लिए, तो एफ वन 40 न्यूटन है तो कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। एफ टू 60 न्यूटन है तो कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो रिजल्टेंट कितना होगा, तो 4 सेंटीमीटर इधर माप लिए, 6 सेंटीमीटर इधर माप लिए, 30 डिग्री एंगल पे। अब इस दोनों पॉइंट को मिलाने के बाद मेजर कीजिएगा स्केल से, तो यह आ जाएगा 9.67 सेंटीमीटर। वही 9.67 सेंटीमीटर को फिर से न्यूटन में कन्वर्ट कर दीजिए, रिजल्टेंट निकल गया, कितने आसानी से निकल गया। तो ग्राफिकल अप्रोच देख लिए, अब आते हैं एनालिटिक अप्रोच में। एनालिटिक अप्रोच में देख रहे हैं, वहां पे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में रिजल्टेंट निकालते थे, आर इजकल टू अंडर रूट एफ वन का स्क्वायर प्लस एफ टू का स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पर बाबू चेंज होगा, यहाँ पे साइन रूल से हम लोग निकालेंगे, क्योंकि लॉ ऑफ ट्रायंगल पढ़ रहे हैं, वो आर वन एफ वन का स्क्वायर प्लस एफ टू का स्क्वायर प्लस अंडर रूट सॉरी टू एफ वन एफ टू अंडर रूट रहता था, वो किसका रहता था बाबू, पैरेललोग्राम का था। लेकिन यहाँ साइन रूल से चलेंगे, साइन रूल क्या बताता है कि एफ वन है एफ टू है, दूसरा फिगर में लेके बताते हैं, एफ वन है एफ टू है, ठीक है, एफ टू है, ये कोई रिजल्टेंट है इसका, आर आर के सामने वाला एंगल कौन है, ए वाला। अगर ये थीटा है तो अंदर वाला कितना हो जाएगा बाबू, 180 माइनस थीटा होगा ना, एक लाइन पे कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा, तो यहाँ वाला थीटा हो गया। तो आर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, साइन रूल बताएगा कि उसके सामने वाला एंगल का। एफ वन के सामने कौन है, बी है, तो ये हो जाएगा एफ वन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी। और एफ टू किसके हो जाएगा, यहाँ पे बीटा मान लेते हैं, बीटा मान लेते हैं, तो एफ टू किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, बीटा का। तो यही साइन रूल हुआ, यही आंसर लाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, एक किसी भी ट्रायंगल में कोण ए कोण बी कोण सी का मान 180 डिग्री होता है, अगर तीनों को जोड़ते हैं तो यहाँ पे एक बीटा है, एक बी है, एक 180 माइनस थीटा है, तो यहाँ कोण बी बराबर कितना बचा बाबू, 180 माइनस 180 से 180 कट गया, थीटा इधर बीटा माइनस में चल गया, यानी कोण बी ऐसे। अब दूसरा फिर से फिगर बना रहे, देखिएगा ये एंगल था ना, ए बी था ना, ए बीटा था, ए बीटा था, ए 180 माइनस थीटा था, 180 माइनस थीटा, ए रिजल्टेंट कितना क्या था, आर था, ठीक है। तो ये बी बराबर कितना हुआ, तो थीटा माइनस बीटा, ये आया आंसर इसका, ठीक है। अब जब भी बी का जरूर कोण पूछा जाएगा तो हम थीटा माइनस बीटा पुट करेंगे। अकॉर्डिंग टू साइन रूल एफ वन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन बीटा सॉरी बी, ठीक है, तो बी का मान कितना था, थीटा माइनस बीटा। साइन रूल क्या बताता है कि अपने सामने वाले को सामने वाले एंगल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो एफ वन इजकल टू क्या हो गया, के साइन थीटा माइनस बीटा,
ठीक है। तो के इक्वल टू क्या हो गया बाबू, एफ वन बटा साइन थीटा माइनस बीटा, इक्वेशन नंबर पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा के कोई कांस्टेंट के ले लिए, तो के इक्वल टू एफ वन बटा साइन थीटा माइनस बीटा। उसी तरह से एफ टू किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बाबू, देखिए तो एफ टू सामने वाला एंगल, सामने वाला एफ टू है तो एफ टू के सामने वाला एंगल कौन है, यही तो है बीटा, ठीक है। तो बीटा हो गया साइन बीटा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे क्या आ जाएगा के, तो के इक्वल टू एफ टू साइन, एफ टू बटा साइन बीटा। उसी तरह से आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका था, साइन 180 माइनस थीटा, तो आर इजकल टू के साइन 180 माइनस थीटा, के इजकल टू बाबू आर बटा साइन 180 माइनस थीटा। तीनों को निकाल दिए, तीनों इक्वेशन में देख रहे होंगे के का मान निकाले, तो तीनों में के बराबर है तो उसका उसका इक्वल वाला भी तीनों आपस में बराबर होगा, तो एफ वन बटा साइन थीटा माइनस बीटा, एफ टू बटा साइन बीटा, आर बटा 180 माइनस थीटा, ठीक है। ये अल्फा इजकल टू बीटा प्लस गामा क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ फिगर में देखिए, फिगर में दिखा रहे हैं, एक सेकेंड वेट कीजिएगा। अगर आपको स्पीड स्लो फास्ट लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप ग्रुप पे कहीं पे भी मैसेज कर सकते हैं, सर थोड़ा सा फास्ट है स्लो चलिए। ये बीटा है बाबू, ये गामा है, दोनों मिला के अल्फा बना दिए, ठीक है। तो इसी को बोला जा रहा है अल्फा इजकल टू क्या था, अल्फा इजकल टू बीटा प्लस गामा। तो देखिएगा लॉ ऑफ ट्रायंगल एंड लामिस थ्योरम आर टोटली डिफरेंट, दोनों क्या है टोटली डिफरेंट है। लामिस थ्योरम इक्विलिब्रियम फोर्स का यूज होता है, लेकिन यहाँ इक्विलिब्रियम फोर्स का यूज नहीं होता है, ठीक है। लॉ ऑफ ट्रायंगल में फोर्स सेम ऑर्डर में नहीं होता है जबकि लामिस थ्योरम में होता है। तो पहले आपको लामिस थ्योरम देख कर आइएगा तो इसको ज्यादा डिटेल में समझाएंगे, ठीक है। अभी सिर्फ जान लीजिएगा दोनों सेम नहीं होता है, अलग अलग होता है, लेकिन पढ़िएगा तो लगेगा दोनों सेम ही है। अब आते हैं बाबू, एक दो तीन क्वेश्चन करवाते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे दिया है इफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम रिजल्टेंट फोर्स टू फोर्स एक्टिंग ऑफ ए पॉइंट ऑन ए रिजिड बॉडी आर 40 किलोन्यूटन 10 न्यूटन। आर मैक्सिमम, एफ नहीं है बाबू, आर मैक्सिमम दिया हुआ है और आर मिनिमम दिया हुआ है, ठीक है, मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, इसको लिख दीजिएगा आर मैक्सिमम इजकल टू 40 किलो न्यूटन, आर मिनिमम इजकल टू कितना 10 किलो न्यूटन। बाबू याद है आप पढ़े थे मैक्सिमम कब होता है, रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा इजकल टू कितना डिग्री हो, जीरो डिग्री हो, और जब थीटा इजकल टू 180 डिग्री होता था और रिजल्ट मैक्सिमम होता था। करके दिखा दे, थोड़ा सा पीछे भूल गए हैं, आर इजकल टू अंडर रूट एफ वन का स्क्वायर प्लस एफ टू का स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान अगर जीरो रखेगा बाबू तो क्या हो जाएगा वन, तो एफ वन का स्क्वायर प्लस एफ टू का स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी पे टूट गया, तो इसको हम लिख सकते थे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अंडर रूट हटाइएगा तो बचेगा ए प्लस बी। तो यानी जब थीटा जीरो होता है तो आर मैक्सिमम कितना होता था, पीछे वीडियो देख के आइए, पीछे वीडियो देख के आइए जो नहीं देखे, तो एफ वन प्लस एफ टू होता है। उसी तरह से आर मिनिमम कौन होता है, एफ वन माइनस एफ टू होता है, ठीक है। तो चलिए रिजल्टेंट आपको दो को दिया हुआ है, आर मैक्सिमम, आर मैक्सिमम बराबर क्या होता है एफ वन प्लस एफ टू, तो आर मैक्सिमम का मान कितना था 40, एफ वन एफ टू निकालना है, ठीक है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, आर मिनिमम एफ वन माइनस एफ टू, तो आर मिनिमम का वैल्यू 10 है, एफ वन माइनस एफ टू, दोनों इक्वेशन को सोल्व कीजिए, ठीक है। तो एफ टू से एफ टू कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा बाबू 2f1 = 50 है, 2 काट दिए तो कितना बच गया f1 = 25 न्यूटन, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर देंगे पहला इक्वेशन में, तो यहां से f2 का भी वैल्यू आ गया, तो f1 का वैल्यू कितना आ गया 25 न्यूटन, f2 का वैल्यू कितना आ गया 15 न्यूटन, ठीक है। 25 न्यूटन f2 का वैल्यू आ गया 15 न्यूटन, ठीक है, ये हो गया आंसर बाबू। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन चलते हैं, इफ टू टेंसाइल फोर्सेस ईच मैग्नीट्यूड एफ आर एक्टिंग एट ए पॉइंट बॉडी परपेंडिकुलर टू ईच अदर द देयर रिजल्टेंट, बताइए फोर्स कितना होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर मीन्स बाबू थीटा इजकल टू 90 डिग्री, परपेंडिकुलर मीन्स थीटा इजकल टू 90 डिग्री। टू टेंसाइल फोर्स है, टेंसाइल फोर्स का मतलब खींचने वाला, ठीक है, टेंसाइल फोर्स है, ठीक है। अब कितना डिग्री पे है, 90 डिग्री पे है, 90 डिग्री पे है, ई एफ वन है, ई एफ टू है, फिगर हो गया, ठीक है। मैग्नीट्यूड परपेंडिकुलर टू ईच अदर द रिजल्टेंट निकालिए, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, तो आपको याद है कि 0 डिग्री के 90 डिग्री के लिए क्या होता है, अगर याद है तो डायरेक्ट लगाइए, नहीं तो फॉर्मूला पे लगाइए। F1 F2 इक्वल टू F दिया हुआ है, दोनों सेम फोर्स है, ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है ना ऊपर, देखिए टेंसाइल फोर्स ईच मैग्नीट्यूड एफ, दोनों मैग्नीट्यूड एफ है, मतलब दोनों इक्वल है, थीटा 90 डिग्री है। फॉर्मूला याद होगा पैरेललोग्राम में जो दिए थे, R1 का F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 90 डिग्री, ठीक है।
तो एफ वन का मान एफ है, एफ टू का भी मान एफ है, टू एफ वन का भी मान एफ ही है, एफ टू का भी मान एफ ही है, कॉस 90 का मान कितना था, जीरो था। ये तो ऐसा ही ऐसे भी जीरो ही हो गया। बचा क्या, अंडर रूट एफ एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर, मतलब टू एफ का स्क्वायर हटाएंगे तो क्या बचेगा, अंडर रूट टू एफ। रिजल्टेंट आंसर लगाइए, देख के कौन सा है, डी ऑप्शन। ठीक है, तो ये सब पूछा जाएगा बाबू आपको एग्जाम में, तो पढ़ते रहिएगा, ठीक है, बने रहिए साथ में। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स वन विच इज डबल द अदर इज 260 न्यूटन। दो रिजल्टेंट है उसका क्या है, एक द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, दो फोर्स का रिजल्टेंट, वन जो पहला है जो दूसरा का डबल है, मतलब एफ वन है जो एफ टू का डबल है, द अदर इज 260 है, एक 260 है, द डायरेक्शन ऑफ लार्जर फोर्स इज रिवर्स्ड एंड द अदर रिमेन्स अनअल्टर्ड, द रिजल्टेंट रिड्यूस 180 न्यूटन। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिवर्स्ड एंड डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड एंगल बिटवीन द फोर्स, मतलब क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालना है और क्या निकालना है बाबू, उसका एंगल भी निकालना है। तो टू फोर्स जो दिया होता है, एफ वन एफ टू है, अब पहला दूसरा का दुगना है, तो हम उसको क्या कर दिए, टू एफ कर दिए, ठीक है, और जो दूसरा था वो सिर्फ एफ है। मतलब क्वेश्चन ऐसा बोला था कि जो दो फोर्स है, एक क्या है दुगना है और दूसरा क्या है सेम, मतलब एफ है, ठीक है, अगर इसको हम 40 लेते हैं तो ये 80 न्यूटन है, और दोनों दोनों फोर्स के बीच का एंगल पूछा जा रहा है। पहला कंडीशन क्या दिया था कि अगर दोनों अगर रिजल्टेंट 260 न्यूटन है तब क्या मतलब फोर्स निकालिए, तो आर इजकल टू पहले एफ वन का वैल्यू कितना था 2F, एफ टू का वैल्यू कितना था एफ, तो 2 × 2F × F cos थीटा। रिजल्टेंट कितना था बाबू 260 था, तो उसका स्क्वायर कर दिए, मैंने अंडर रूट था तो इधर भेज दिया, स्क्वायर हो गया 4F² × 2 = 4F² अब प्लस cos थीटा लगा दिए, 2 × 4F² cos थीटा 260² = 5F² + 4F² cos थीटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब क्या हो रहा था कि रिवर्स कर गया था, तो F2 और F1 था वो क्या किया गया, मतलब डिफ्लेक्ट हो गया थीटा डिग्री से, ऐसे था ना बाबू, देखिए अगर एक दोनों क्या है रिवर्स कंडीशन में है, रिवर्स कंडीशन से क्या कर जाए, डिफ्लेक्ट कर जाए, ठीक है, डिफ्लेक्ट कर जाए थीटा डिग्री से, तो अभी यहां से F1 है जो यहां चलाया, F1 नहीं रहा, F1 यहां पे हो गया, ठीक है, F1 F2, तो ये अब टोटल एंगल यहां से कितना बन जाएगा 180, आईने प्लस जो गया थीटा, तो 180 प्लस थीटा उतना पे कितना है रिजल्टेंट उसका कितना आ रहा है 180 न्यूटन आ रहा है। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला याद है 180 का स्क्वायर, ठीक है, 180 का स्क्वायर जब स्क्वायर कर देंगे तो ये अंडर रूट नहीं रहेगा। F1 का वैल्यू कितना था 2F का स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F × 2F cos थीटा, cos थीटा का मान कितना था 180 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है, तो 180 डिग्री प्लस थीटा क्या कहलाता है बाबू, माइनस cos थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट माइनस cos थीटा, ठीक है, तो 180 का स्क्वायर 5² + 4F² - cos थीटा, तो 180 = 5F² - 4F² cos थीटा दोनों हो गया, दोनों को क्या करेंगे कैंसिल आउट करेंगे, बचेगा 10F² = कितना है, 1,10,000 एक लाख है, तो उसको अंडर रूट कीजिए, अंडर रूट कीजिए कितना बचेगा F = 100 न्यूटन, तो F का वैल्यू निकल गया 100 न्यूटन, तो बताइए कि F1 कितना था 2F था ना, तो कितना हो जाएगा 200 न्यूटन, F2 कितना था F था सिर्फ, तो कितना हो जाएगा 100 न्यूटन, तो यही आंसर हो गया। अब एंगल भी पूछा है ना, तो एंगल के लिए किसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, 260 पहले इक्वेशन पुट कर दीजिए, कितना था 260 का स्क्वायर 5 × F1 था ना, तो F1 का वैल्यू रख दीजिए, सॉरी F था ना तो F का वैल्यू रख दीजिए, F का वैल्यू रख दीजिए, cos थीटा का मान यहां से आ गया, ठीक है, cos थीटा का मान यहां से, यानी थीटा का मान निकाल लीजिएगा, cos थीटा का मान जब दिया हुआ cos थीटा = 0.44, तो थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा cos इनवर्स 0.44, ठीक है, तो ये इसका कैलसी पे रख के निकाल लीजिएगा। अब आते हैं न्यू टॉपिक में बढ़ते हैं हम लोग, रेजुलेशन ऑफ फोर्स, रेजुलेशन ऑफ फोर्स क्या है बाबू, कि बहुत सारे फोर्स को एक फोर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग और स्प्लिटिंग द गिवन कंकरेंट, सबसे आसान टॉपिक है, कंकरेंट फोर्स इनटू नंबर ऑफ कंपोनेंट्स विदाउट चेंजिंग इट्स इफेक्ट ऑन ए बॉडी,
मतलब नंबर इसका क्या करना है सबको, जैसे एक एक्स एक्सिस पे ले आते हैं, बाई एक्सिस पे ले आते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस पे कॉस थीटा के साथ जाता है, बाई एक्सिस पे साइन थीटा के साथ रिजोल्व होता है, ठीक है। तो देखते हैं आगे, बहुत आसान टॉपिक, बहुत आसान न्यूमेरिकल बनेगा इसका। ए फोर्स इज रिजोल्व इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन इंटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ठीक है। कहने का मतलब आपको सबसे पहले हम समझाएंगे, उसके बाद कुछ होगा। देखिए यहाँ पे मान लीजिए एफ वन है, यहाँ पे फिगर सही से दिख ही रहा होगा, देखिए यहीं पे समझाते हैं। ई एफ वन है, ई एफ टू है, ई एफ फोर है, कुछ भी ले लेंगे, कितना भी फोर्स इसमें हो सकता है। लॉ पैरेललोग्राम और लॉ ट्रायंगल दो ये फोर्स के लिए था ना, ये कितना भी फोर्स के लिए हो सकता है, ठीक है। एफ थ्री है, ई एफ थ्री है, एफ वन, एफ टू, एफ थ्री कहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि एफ वन यही होगा, और दो तीन फोर्स मिला लीजिए, ठीक है। उसके साथ एंगल दिया रहेगा, एंगल दिया रहेगा। तो ऐसे करके समझाते हैं ये हम थोड़ा सा, ठीक है। देखिए यहाँ पे बगल में समझा रहे हैं, ये 40 न्यूटन है ना बाबू, देखिए ये 40 न्यूटन है मान लीजिए, अब 20 डिग्री है, 20 डिग्री है, पहले एक वो तोड़ते हैं इसको ना, 40 न्यूटन को आपको एक्स एक्सिस पे ले आना है, बाई एक्सिस पे ले आना है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे तक जिसके साथ एंगल रहेगा ना, जिस एक्सिस के साथ है उसको हम एक कॉस से गिराते हैं। 40 को अगर हम एक्स एक्सिस पे लिखना चाहें तो 40 एक्स के साथ ना एंगल बनाया हुआ है, तो एंगल जिसके साथ बनाता है वहां पे कॉस लिखते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ कितना, कॉस 20 डिग्री, ए हो जाएगा एक्स एक्सिस पे, यही आंसर है। अगर बोलेगा इसको बाई एक्सिस पे कर दो तो क्या कीजिएगा, बाई एक्स पे करने के लिए 40, अच्छा क्या बोले, एंगल जिसके साथ रहता था कॉस, यानी तो साइन, इसके साथ एंगल है नहीं है, ठीक है। ऐसे तो कोई बोलेगा सर 60 डिग्री नहीं है, मतलब इस एंगल को जो दिया है उसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 20 डिग्री दिया हुआ ना, तो इसको क्या लिखिएगा, 40 sin 20 डिग्री। क्यों, क्योंकि किसके साथ एंगल था, एक्स एक्सिस के साथ था, तो जिसके साथ रहता है उसी के साथ कन्वर्ट कर देते। एक दूसरा बताते हैं, मान लीजिए ये है, ठीक है, कितना ले ले, 60 न्यूटन ले लेते हैं, ठीक है, कुछ भी ले लीजिए, ये एंगल है, अभी इधर ले ले, इधर ही ले लेते हैं, ठीक है, इधर ले लेते हैं 30 डिग्री। बताइए ये क्या है, बाई एक्सिस है ना, बाई एक्सिस है, ये क्या है, एक्स एक्सिस है। तो 60 न्यूटन को अगर हम एक्स पे गिराएं तो क्या होगा, 60 sin, क्यों, क्योंकि इसके साथ एंगल है नहीं है, किसके साथ है, बाई के साथ है, तो बाई पर क्या हो जाएगा, 60 cos 30 डिग्री, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा, यही रेजुलेशन ऑफ फोर्स कहलाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, रिजुलेशन ऑफ फोर्स कहते हैं। अच्छा कोई अब एडवांस सोच रहे होंगे तो एडवांस के लिए देखिए हम बताते हैं, कोई थोड़ा सा एडवांस सोच रहे होंगे तो देखिए उनके लिए बताते हैं। ये मान लीजिए बाबू कि ये 60 न्यूटन था, नहीं दिख रहा है, यहां करते हैं 60 न्यूटन है, मान लीजिए 60 न्यूटन है, ठीक है, 30 डिग्री यहां लिए थे। अब कोई बोलेगा सर ये 30 डिग्री, तो ये 60 डिग्री नहीं होगा, हाँ कर दीजिए, अब लिख सकते हैं आप 60 cos 60 डिग्री, ठीक है, आप एंगल बना के लिख सकते हैं कि ये 60 डिग्री है, तो ये 60 cos 60 डिग्री हो गया। आई कितना हो जाएगा, 60 cos 30 डिग्री, ये 60 cos 60 डिग्री या 60 sin 30 डिग्री, दोनों का मान सेम ही आता है, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये उतना फालतू दिमाग क्यों लगाना, ये 30 डिग्री है ना, इसके साथ एंगल है ना, कॉस गिरा देंगे, यहाँ पे साइन गिरा देंगे, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो यही किया हुआ है बाबू यहाँ पे, ठीक है। अब इसको तो समझने की जरूरत भी नहीं है आपको, क्योंकि आपको सारा चीज बता दिया गया है। देखिए अब ये वाला फिगर को अब इस पे क्वेश्चन करवाएंगे, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। देखिए अब ये जो था एफ वन था, यहाँ थीटा वन था, यहाँ थीटा वन था, तो थीटा वन ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, एफ वन साइन थीटा, क्योंकि थीटा इसके साथ था ना, थीटा इसके साथ था ना, तो एफ वन साइन थीटा, एफ टू कॉस थीटा, ठीक है, जितना एफ टू कॉस थीटा, देखिए ये एफ टू है जो इसके साथ ना है, इसके साथ एंगल ना है, तो एफ टू क्या आ जाएगा, कॉस थीटा के साथ, तो यही वाला काम कर देना है सिंपली, ठीक है, तो यही वाला फिगर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करवाएंगे, ज्यादा मजा आएगा। अब जब सब हो जाता है, सबको गिरा देते हैं, मतलब सबको कंपोनेंट एक्स एक्सिस पे कर देते हैं, तो क्या होता है, समेशन ऑफ एफ एक्स पर जितना है इफेक्ट सबको जोड़ दीजिए, ठीक है, और जितना बाई है उसको जोड़ दीजिए, और रिजल्टेंट क्या निकालिएगा, जोड़ के जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर प्लस बाई वाला के जोड़ के स्क्वायर, ठीक है, यही रिजल्टेंट होता है। टेन थीटा का मान निकालना हो, मतलब थीटा निकालना हो, तो एफ बाई समेशन ऑफ एफ वाई प्लस बटा समेशन ऑफ एक्स। नहीं समझ में आ रहा है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन से समझ में आएगा, डिजिट लेंगे ना तब समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन देखिए,
Four forces acting on the bolt at a point A, as shown in figure, determine the magnitude and direction of resultant force given force. ठीक है, सबसे पहले देखिएगा कि F1 है, कितना डिग्री है बाबू, 30 डिग्री। तो बताइए इस पे कितना गिरेगा, x पे 150 है ना, इसको लिखिए एंगल के साथ में ना, तो यहां पे क्या होगा, अरे एक सेकेंड, 150 cos 30 degree, ये चीज यहां पे कितना आएगा, दम दोनों दोनों तरफ गिराना है हमेशा, 150 sin 30 degree, पहला का काम हो गया। ये 180 वाला पे आइए, इसी पे रहेगा, अब साथ में है ना, तो 180 साथ में है ना बाबू, एंगल के साथ ना, तो कॉस वाला आएगा, कॉस 20 degree हो गया। चलिए इधर क्या आएगा, इसका कंपोनेंट 180 वाला के, 180 ये वाला एंगल नहीं ना है साथ में, तो इसको क्या लिखेंगे, साइन 20 degree। ठीक है, एंगल वही लिखा जाता, खाली साइन कॉस लिखाना है। ठीक है, चलिए इसको देखिए, तो इसको गिराइए इधर, इसको इधर गिराइए, 400 कॉस साथ में डिग्री, तो क्या हो जाएगा, कॉस 15 degree। आई इधर किस इस पे कितना गिरेगा, 150 degree था नहीं, 15 degree, 100 इधर है, इस पे गिरेगा, मतलब इसके साथ क्या है, नहीं लगा हुआ है, तो क्या लगेगा, साइन 15 degree। ठीक है, अब सुनिएगा, समेशन ऑफ एफ एक्स लिखना है, समेशन ऑफ एफ एक्स लिखना है, तो देखिए ये पॉजिटिव होता है ना एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव होता है ना, तो जोड़ दीजिए, कितना है इस पे, 150 cos degree, 150 cos 30 degree प्लस ये वाव है ना 100 वाला, 100 cos 15 degree, अब माइनस, ये माइनस तरफ है ना, एक्स एक्सिस वाला सबको जोड़ना होता है, 180 sin 20 degree, तो ये हो गया समेशन ऑफ एक्स। कैलसी पर धर के वैल्यू निकाल लीजिए, उसी तरह से बाई वाला देखिए, तो इतना जुटेगा, आई वाला उसमें क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, तो चलिए दिखाते हैं बना हुआ पीडीएफ, समेशन ऑफ एफ एक्स कितना होगा बाबू, 150 cos degree था, 100 cos 15 degree था, अब माइनस कितना था, 180 degree था, 80 degree था, 180 कर दिए। ठीक है, कोई अच्छा कटा हुआ ही है। ठीक है, चलिए ये 80 degree, 80 newton था, तो कितना हो गया, 80 newton हो गया, 80 newton, 80 sin 20 degree। ठीक है, तो समेशन ऑफ एफ एक्स निकल गया, समेशन ऑफ एफ वाई बाबू जो दोनों था, 80 cos 20 degree ऊपर वाला पर था, इसी पे कौन था, 150 sin 30 degree था, और नीचे वाला माइनस वाला था, 110 और sin 15 degree। अच्छा, कोई सोच रहे होंगे, यहाँ पे क्वेश्चन भी है, ये वाला जो 100 newton है, 100 newton है, ये इसी लाइन पे, तो इसको चेंज करने की जरूरत है, 110 newton वाला नहीं चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि इसी लाइन पे है ये, है ये, मतलब एंगल के साथ है, तो ये किस में काउंट होगा, एफ वाई पर है, और नीचे वाला मतलब निगेटिव वाला जाएगा, तो ही देखिए यहाँ पे निगेटिव कर दिया गया, निगेटिव 110 माइनस 100 sin 15 degree। तो इसका कैलसी पे धरिएगा तो 199.13 आया, इसको धरिएगा 14.29 आ गया। R इक्वल टू अंडर रूट समेशन ऑफ एफ एक्स प्लस समेशन ऑफ एफ वाई, समेशन ऑफ एफ एक्स का वैल्यू कितना था बाबू, 199.13 का स्क्वायर, 14.29 का स्क्वायर, अंडर रूट करके कैलसी पे निकाल लेंगे, रिजल्टेंट आ गया। ठीक है, नहीं समझ में आएगा कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, एक दो क्वेश्चन और करवा देंगे। ठीक है, जहां दिक्कत होगा अगला लेक्चर में करवा देंगे। tan theta is equal to summation of f y beta summation of f x, 14.29 बटा 199.13, तो इसको भागा दे देंगे 0.71 आ जाएगा, थीटा निकालेंगे तो tan inverse is equal to 0.071, कैलसी पर रखेंगे डिग्री का मान आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करवा दें, चलिए करवा ही देते हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिजल्टेंट ऑफ फोर्स आर, फोर कंकरेंट फोर्स, चार को कंकरेंट फोर्स है, तो बताइए ये पी है, यहाँ पे P है, तो ये P बताइए इसको चेंज करना है नहीं ना, क्योंकि ये एक्सिस पे ही है, हमको एक्सिस पे लाना होता है, तो P प्लस 2P 60 डिग्री है ना, तो 2P एंगल साथ में है, तो क्या होता है, cos 60 डिग्री। अच्छा, ये बाई एक्सिस पे किसके साथ जाएगा, 2P sin 60 डिग्री, ये एंगल साथ में है ना, तो क्या जाएगा बाबू, प्लस 3√P cos 60 डिग्री। ठीक है, चलिए ये वाला किस पे जाएगा, 3√3P साइन 60 डिग्री है ना। चलिए एक और बचा ना, एक और बचा 4P वाला, तो इसी पे जाएगा ना, लेकिन किसके साथ जाएगा, साइन वाला के साथ, 4P साइन 30 डिग्री, इस पे कितना आएगा, 4P cos 30 डिग्री। सबको समेशन ऑफ एफ एक्स, मतलब एफ एक्स में इधर वाला प्लस लेना है, इधर वाला को माइनस लेना है, तो देखिए
प्लस टू पी कॉस 60 डिग्री, 4p साइन 30 डिग्री, माइनस किधर वाला को लेना है, इधर वाला को, ठीक है। तो ये अंडर रूट हो गया, इसको कैलसी पे निकालिएगा, माइनस 0.5p। समेशन ऑफ एफ वाई में ऊपर वाला को प्लस लेना है, ऊपर कौन कौन है, 2p साइन 60 डिग्री, 3 अंडर रूट 3p कॉस 60 डिग्री, ठीक है, दोनों को ले लीजिए। आइए नीचे वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कैलसी पे निकाल ले। रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, समेशन ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर और समेशन ऑफ एफ वाई का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कीजिए, अंडर रूट पी का स्क्वायर, मतलब आर इक्वल टू पी। रिजल्टेंट का वैल्यू कितना गया, पी। टेन थीटा कैसे निकालते थे, समेशन ऑफ एफ वाई का जो आंसर आया है तो 0.866p बटा माइनस 0.5p, दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा, कैलसी पे धरिएगा, एंगल आ जाएगा लगभग इतना आएगा, 60 डिग्री ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इक्विलिब्रियम, कल से फ्री बॉडी डायग्राम स्टार्ट होगा, तो आज थोड़ा बहुत पॉइंट बता दे। इक्विलिब्रियम क्या होता है कि स्टेट ऑफ बैलेंस होना चाहिए, ठीक है, इक्विलिब्रियम कहने का मतलब बैलेंस होना चाहिए, ठीक है, स्टेट सिचुएशन होना चाहिए। इक्विलिब्रियम फोर्स क्या होता है, ऑल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी आर बैलेंस्ड, बॉडी पे जितने भी फोर्स है सब बैलेंस रहना चाहिए, उसको इक्विलिब्रियम फोर्स कहा जाता है। तो ये सब चीज काम देगा आगे, ठीक है, ऐसी बेसिक है। इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी मतलब पहले फोर्स को इक्विलिब्रियम देखे कि अगर इक्विलिब्रियम फोर्स आगे समझाया भी जाएगा, टेंशन ले लीजिए। इक्विलिब्रियम बॉडी क्या है, इफ बॉडी हैविंग जीरो इफेक्ट अंडर द एक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, अगर उस पर फोर्स लग रहा है तो बॉडी पे जीरो, जैसे हमको कोई ठेल रहा है, हम ठिला ही नहीं रहे हैं, तो हम किस कंडीशन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन में, ठीक है। देखिए ये मान लीजिए कि ये बॉडी है, बॉडी इन नॉन इक्विलिब्रियम, हम 10 न्यूटन का फोर्स लगाए, मूव करने लगा, मोशन कर गया, जैसे हमको कोई ठेल दिया, हम ठेला गए, तो हम क्या है, नॉन इक्विलिब्रियम है, लेकिन 10 न्यूटन इधर से भी लगा रहा है और 10 न्यूटन हम भी लगा रहे हैं, दोनों क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन रहेगा, तो वही हो गया इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम लोग कल यहां के, यहां से कल देखेंगे, ठीक, आज ही देख लेते हैं, इतना ही बचा देख लेते हैं। देखिए इक्विलिब्रियम कंडीशन या इक्वेशन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स, एक पॉइंट है बाबू, एफ वन लग रहा है, एफ टू लग रहा है, एफ थ्री लग रहा है, एफ फोर, और रिजिड बॉडी ही नहीं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, ठीक है, तो आर इजकल टू जीरो है, देन इट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम इन रेस्ट, ठीक है, इक्विलिब्रियम में। अगर नहीं है आर के बराबर, रिजल्टेंट फोर्स अगर जीरो है तो क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम में है, नहीं है तो क्या है, इक्विलिब्रियम में नहीं है, ठीक है। ये था, अब 2D में देखेंगे तो समेशन ऑफ जितने भी फोर्स होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, जीरो, और समेशन ऑफ एफ वाई जितने भी होना चाहिए वो सब क्या होना चाहिए, जीरो, किसके लिए, इक्विलिब्रियम के लिए। अभी समेशन ऑफ एफ एक्स समेशन ऑफ एफ वाई देख रहे थे ना, सारा किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए, तब वो इक्विलिब्रियम फोर्स होगा। स्टैटिक इक्विलिब्रियम इन 3D में देखेंगे तो समेशन ऑफ एफ एक्स इजकल टू जीरो, एफ वाई इजकल टू जीरो, एफ जेड इजकल टू जीरो, ठीक है। तो बाबू आपका सिलेबस बहुत जल्द खत्म होगा, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, बस आपको मन से पढ़ते जाना है, आपको क्यों टेंशन हो रहा है सिलेबस का, हम ना खत्म करेंगे, ठीक है, आप बस पढ़ते जाइए, जितना वीडियो अपलोड हो जा रहा है पढ़ते जाइए, शेयर करते रहिए, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप समझ ही रहे हैं, ठीक है। तो जितना ज़्यादा हो सके बाबू कमेंट कीजिए, मतलब कमेंट में पूछिए आपको जो डाउट हो रहा है, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, जबरदस्ती नहीं करना है, ठीक है, अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि इससे हमको आगे चलकर फायदा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ब्लैक आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा।